नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल TTC अकादमी में। दोस्तों आज हमने जो BCA फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने इंटीग्रल कैलकुलस से लिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसे आप बिल्कुल तैयार करें, रट लें कैसे भी करके, या तो सीख लें कुछ भी करें, इंपॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है, इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इसे तैयार कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे सिखाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन है हमारा, इवेल्यूएट लिमिट इंटीग्रेशन 0 से 5/2 log sin x का dx। इसका हमें dx करना है, ठीक, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में लिया, लेट i इक्वल टू जो हमारा समीकरण है, जो हमें क्वेश्चन दिया उसी को हमने पुट कर लिया, ठीक। इसे समीकरण हमने बदनाम दे दिया दोस्तों, बहुत पहले से लिख लेते हैं जिससे समय ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। इसके बाद i के इक्वल हमने लिखा। तो अब आपको हमने प्रॉपर्टी बताई थी, यानी कि जब 0 से लिमिट होगी तब हम जो हमारा x की वैल्यू है, यानी कि x है, तो यहाँ वो उसे हम लिमिट अपर लिमिट में से घटा लेते हैं। तो यहाँ पर x है, इसे अपर लिमिट से हम घटाएंगे। तो हमने 0 से 5/2 लिखा, log sin x लिखा, ठीक। अब अपर लिमिट हमारी 5/2 है, देखिए इसमें से हमने इस वाले x को घटा लिया और कुछ नहीं अलग किया, ठीक है, dx हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, i इक्वल टू 0 से 5/2 log, अब देखिए यानी कि जब 5/2 यानी कि 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक। तो साइन 90 माइनस एक्स होता है हमारा कोस एक्स, ठीक है। ये भी आप से यहाँ पर देख लें, आप इस तरीके से देख सकते हैं, कोस 90 माइनस एक्स इजिकल टू साइन यहाँ पर होगा, ठीक, साइन तो यहाँ पर हो जाएगा कोस, ठीक। तो इस फार्मूले का हमने यहाँ पर यूज किया, तभी लोग कोस एक्स डी एक्स हो गए, ठीक। इसे हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हमने ऐड किया, ठीक है। देखिए जब हमने दोनों को ऐड किया तो आई पहले वाले की इसकी आई आई 2 इस साइड हो गई, ठीक, लेफ्ट साइड, राइट साइड 0 से 5/2 log sin x हमारे सवाल में था, ठीक है, क्वेश्चन पहला था, प्लस log cos x dx जो हमारे सेकंड समीकरण के द्वारा मिला, देखिए, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया, 0 से 5/2 log sin x इंटू cos x, यहाँ पर हमने log की प्रॉपर्टी लगा दी, यानी कि log im इंटू सॉरी log im प्लस n इक्वल टू होता है, हम इसे लिख सकते हैं log आई माइनस सॉरी आई एम इंटू लोग आइन, ठीक, यानी कि जब प्लस में होता है उसे हम इंटू में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर माइनस में होता है तो उसे डिवाइड में ले लेते हैं, जी लोग की हमारी प्रॉपर्टी होती है, लोग आई एम प्लस आइन के रूल से लोग आई एम इंटू आइन कर लिया हमने, ठीक है, इसे इंटू कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहाँ पर एक फार्मूला हम बना लेते हैं, जिससे ऊपर और नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कराई, ठीक, 2 से अंश में 2 से हर से कराई, देखिए इस तरीके से। अब ये जो हमारे 2 sin x इंटू कोस, ये हमारा एक फार्मूला बन गया, देखिए इजिकल टू में हमने लिखा 0 से 5/2 log sin 2x का जो फार्मूला बन गया, sin 2x फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कोस, ठीक, वो हो गया, और जो 2 हमारा ऐसा ही रहा, dx हो गया। इसके बाद दोस्तों हमने फिर से log की प्रॉपर्टी लगाई, जो कि है log im बटे n इजिकल टू log im माइनस log n, ठीक, जब हमने log की प्रॉपर्टी लगाई, कोई दिक्कत नहीं। हमने अभी लिखी था 0 से 5/2 log sin 2x, ठीक, माइनस यानी कि डिवाइड में है तो इसे हमने निगेटिव में ले लिया, ठीक, इस तरीके से आप भी प्रॉपर्टी सीख लें। चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब हम देखिए हमने इन्हें अलग अलग कर लिया, एक बार हमने 0 से 5/2 log sin x 2x dx कर लिया, एक तरफ हमने जो log 2 जो तो कॉन्स्टेंट है तो इसे बाहर निकाल लिया। अब जब बाहर निकाले तो कुछ नहीं बचा, तो बन तो बचेगा ही, तो हमने बन का dx एक साइड कर लिया, अलग अलग हमने कर लिया, ठीक है, जिसे इजीली हम इसे हल कर पाएँ। इसके बाद हमने पुट कर लिया 2x इजिकल टू टी पुट करेंगे इसमें, तभी सॉल्व हो जाएगा, देख फिर इसका हम उसका डिफरेंशियल करेंगे इसका, तो 2x का अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dx बराबर dt/2 हो जाएगा, यहाँ पर केवल 2 बचेगा, ठीक, 2 dx बचेगा यहाँ पर, जो d2 हो जाएगा, फिर एक्स यहीं पर dx यहीं पर बचेगा, जो मल्टीपल उधर डिवाइड में पहुंच जाए, तो dx बराबर dt/2 मिला हमें यहाँ पर, ठीक। अब हमने क्या किया, यानी कि अगर हम इसमें इस जगह पर अगर x बराबर हम 0 रख दें तो t की वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है, अगर हम x की जगह पर 5/2 रख दें तो हमें t की वैल्यू 5 मिल जाएगी, देखिए अगर रखे देखें तो यानी कि जब भी हम यहाँ पर पुट कोई करते हैं तो हमें वहाँ पर लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है, इसी वजह से यह सब कुछ हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब ये सभी वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, तो 2y ऐसे ही 0 5/2 log sin 2x की जगह पे हमने t पुट कर लिया, ठीक, dt/2 यानी कि dx की जगह पे dt/2 कर लिया, ठीक, माइनस log 2, अब यानी कि बन का देखो अवकलन होता है x, वो सॉरी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बन का x होता है,
तो हमने एक्स कर लिया 5/2 0। ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 1/2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग साइन टी डी टी माइनस लॉग 2 ऐसे ही। अब इसमें हमने लिमिट लगा दी, सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं उसमें से लोअर लिमिट घटाते हैं, तो जब हम एक्स की वैल्यू उस जगह पे हमने 5.2 लिखा माइनस लोअर लिमिट इसमें से घटा दी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, घटा दी। अब देखिए हमने क्या किया, यानी कि जो हमारा इसके बाद हमने 2 से मल्टीप्लाई कराई, जैसे हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और जो हमारी पाई की अपर लिमिट जो है उसमें डिवाइड कराएंगे 2 से, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पर डिवाइड कराएंगे, ये हमारा कंसेप्ट है, यहाँ पर याद रखने वाला है, यानी कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड में 2 से डिवाइड कराएंगे। ठीक, पाई में 2 से डिवाइड कराएंगे, बस और कुछ नहीं किया, वैसा का वैसा ही रहा। इससे हमने 5/2 को आगे लिख लिया, लॉग 2 कर लिया। ठीक, सेम वैसा ही है, जो ऊपर वाला ही सेम है। ठीक, अब आप देखेंगे कि 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर जो है ये सब वैल्यू हमारी हो जाएगी आई की, जो हमें समीकरण 1 में माना था। ठीक है, तो आई पुट कर लिया, माइनस 5.2 लॉग 2 हो गया। ठीक, अब जब आई है उस तरफ तो राइट साइड हमारा यहाँ पर तो 2i है, यहाँ पर तो हमारा 2i है। ठीक, 2i अगर आई अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तब इधर ऐसा ही रहा, आई 2i में से आई गया तो आई बच्चा माइनस 5.2 लॉग 2 हो गया। ठीक, इसके बाद 5.2 ऐसे ही रहा। ठीक, अब ये माइनस 5.2 जो है तो 5.2 तो ऐसे ही रहा, अब जब माइनस जो है जिसे हम पावर ले आए ऊपर ले आए आइन की प्रॉपर्टी से, लॉग वाली सी प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब इसे इन्वर्स को हमने नीचे भेज दिया। ठीक, ये इन्वर्स है, इसे नीचे भेज दिया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप चाहें तो यहाँ तक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ, और दोस्तों एक बार ज़रूर कहना चाहेंगे, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।